हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे आप जो है 3D लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, 3D लाइन चार्ट, तो 3D लाइन चार्ट क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डेटा बना रखा है, जहाँ से आप देख रहे हैं कि एक कॉलम में मेरे पास ईयर का डेटा है, जिसमें 2019 से लेके 2023 के ईयर हैं और उसी के हिसाब से इनकी यहाँ पर सेल है। तो 3D लाइन चार्ट क्या करता है कि नॉर्मली जो चार्ट होते हैं, चाहे आप कॉलम चार्ट यूज करते हैं या बार चार्ट यूज करते हैं या पाई चार्ट यूज करते हैं, तो वो एक डिफरेंट टाइप का चार्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन 3D लाइन वाला चार्ट में क्या है कि आपको लाइन के थ्रू उसका पूरा आपको ग्रोथ या उसकी जो जिस तरह से भी आपको उसको प्रेजेंट करना है उसके हिसाब से आपको ये उसका आउटपुट निकाल के देता है। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे आप जो है एक्सेल में 3D लाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, कि जब भी आप कोई चार्ट बनाते हैं पहले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको चार्ट क्रिएट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ आना है इंसर्ट में। जब आप इंसर्ट में आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आपको सेक्शन दिखेगा, इंसर्ट लाइन या एरिया चार्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर 3D लाइन, तो इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो आपको हल्का लाइट ब्लू में जो दिख रहा है, इसका मतलब है ईयर है, ये वाला 1 से लेके 5 तक का जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जो आपको हल्का सा लाइट येलो में नज़र आ रहा है, उसका मतलब है कि ये जो है आपका सेल का चार्ट है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो ईयर जो है यहाँ पर हल्का जो लाइट ब्लू है और जो येलो वाला है हल्का सा, वो है यहाँ पर सेल। तो ये हमारे यहाँ दोनों यहाँ बन चुके हैं। तो अब हम इसमें चार्ट हमारे पास आ गया है, टाइटल आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं ईयर वाइज सेल, ये हमने यहाँ पर इसका टाइटल रख दिया है। तो टाइटल बन गया हमारा। अब इसको आप चाहें तो बोल्ड अक्षर में कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप ड्रैग कर सकते हैं जहाँ तक भी आपको उसका ड्रैग करना है। तो ये चार्ट हमारा बन गया है। अब थोड़ा इसको हम और इसमें, जैसे अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पर ईयर आ गया, लेकिन ईयर का यहाँ पर हमारा डेटा नहीं आया, सेम यहाँ पर सेल का भी डेटा हमारे पास नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लस वाला साइन है इस पर आपको क्लिक करना है चार्ट एलिमेंट्स के अंदर। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पूछता है आपसे डेटा लेबल्स। अब डेटा लेबल्स हम क्या, जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो आप देखेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पर है ये सारा यहाँ डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग भी है, आप डेटा इसके अंदर आएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो जैसे ये वाला ऑप्शन हम रख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रख रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि जो ईयर है, ईयर हमारा था यहाँ पर ये फर्स्ट, देखिए पहला, यानी कि उसने इसके हिसाब से बना दिया जब से सिक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। तो इसी हिसाब से यहाँ पर सेल भी बता दी, यहाँ पर 19 के हिसाब से इतनी सेल है यहाँ पर और 20 की यहाँ पर इतनी है और फिर यहाँ पर 21 की इतनी है फोर इसकी से। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो अगर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो यहाँ पर आप देखो कैटेगरी नेम आपको रखना है तो रख सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको ये खाली नंबर के हिसाब से रखना है सीक्वेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर इसको जैसे कैटेगरी हमने रखा हुआ है, तो फिर से हम आते हैं यहाँ पर तो एलिमेंट में, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेबल ऑप्शन जो भी हैं आपके, सीरीज नेम ये हमारे आगे जो पहले रखे थे हमने। अब यहाँ पर वैल्यूज में ये इस तरह से दिखाएगा आपको वैल्यूज प्लस सेल्स, अगर आपको वैल्यूज सेल के थ्रू लेनी है तो आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं यहाँ पर डेटा। तो इस तरह से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं
और अगर आपको विद ईयर के हिसाब से चाहिए तो आप इसको विद ईयर के हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। और सिंपल अगर आपको रखना है जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो यहाँ पर अगर हम अंडू करें इस सब चीज़ को, जैसे ये वाला ऑप्शन था, तो यहाँ पर जब हम फिर से डेटा डेटा टेबल का भी इसमें ऑप्शन है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ईयर आपको दिख रहा है, जिस हिसाब से भी ईयर है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसकी सेल भी आपको नज़र आ रही है। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर अगर हम स्टार्ट करें तो 19 में ये है, 684952 के अंदर ये वाला है, तो यहाँ से भी आप इसको इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और फिर इसके अंदर आप अब यहाँ पर आने के बाद साइज़ आप अपने हिसाब से इसका जितना भी आपको रखना है सेट कर सकते हैं, तो ये साइज़ इस तरह से यहाँ पर आप इसको अरेंज कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पर चार्ट के जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे चार्ट के स्टाइल्स हैं, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आपको रखना है। इस तरह से अगर आपको रखना है तो कलर यहाँ से आप कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस बहुत हैं फ्रेंड्स आपके पास, तो आपको सही लगता है। कलर्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आप आके कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत एक्सेस टाइल्स हैं, अगर आपको इसको रखना है या हाइड करना है तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। और चार टाइटल मैंने आपको बता ही दिया जो कि ये रहा। फिर डेटा लेबल्स के अंदर मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको यहाँ पर रखने हैं, तो ये यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। डेटा टेबल के अंदर हमने जैसे अभी लिया है, और ग्रे लाइन अगर आपको रखनी है और नहीं रखनी है तो इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और लीजेंड के अंदर भी अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको किस तरह से इसको दिखाना है, टॉप से दिखाना है, लेफ्ट से अगर इसको दिखाना है, बॉटम से अगर आपको इसको शो करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, अगर आपको ईयर और सेल इस तरफ दिखाना है या टॉप राइट में दिखाना है तो ये इस तरह से आपको दिख जाएगा, और बॉटम में अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग बॉटम का यूज़ करते हैं एक्सेल में, तो आप इसको बॉटम में रख सकते हैं। और बाकी यहाँ से आपको किस तरह से इसको और ग्लो दिखाना है, या कई तरह के इसमें हुए हैं फीचर्स जो आपको सही लगता है उसको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फिर बॉर्डरिंग अगर आपको करनी है तो बॉर्डरिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चॉइसेस बहुत हैं इसमें, जो भी आपको इसमें सही लगता है। तो ये सिंपल मैंने आपको तरीका बताया है कि कैसे अगर आपके पास डेटा है, जैसे मैंने अभी ईयर के हिसाब से बताया आपको, अगर आप इसमें अगर मंथ के हिसाब से बनाना चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।